समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके ये बात बिल्कुल सही है कि समय के पास समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके स्टूडेंट ये जो टाइम है बहुत ही प्रीसीस टाइम है आपके पास जिसके लिए अगर मैं मेरी वर्डिंग में बोलना चाहूँ तो वो है अभी नहीं तो कभी नहीं अभी आपके पास अगर टाइम की बात करें जो टाइम है ना आपके पास अभी भरपूर टाइम है स्टडी के लिए अगर आप अभी भी नहीं जागे तो फिर आप कभी नहीं जागोगे इसलिए अपनी स्टडी को टाइम दो जिससे कि आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में ले पाए मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एक कदम सफलता की ओर सीरीज में बच्चों आज इस सीरीज़ का सिक्स डे है जिसमें हम आज बात करेंगे रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस की सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो सारी बात हम यहाँ पर करेंगे डेली नौ बजे आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्री 2021 की स्टडी तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें जल्दी से जिससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड जो भी हैं हमें जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे फिर हम आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे चले स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट में, में मेरा पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है फोर बॉयज़ ए बी सी एंड डी एंड फोर गर्ल्स पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल यानी टोटल मेरे पास ए बी सी एंड डी ये कौन है बच्चों बॉयज़ हैं लिख लो क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा यहाँ पर ये क्या है मेरे पास गर्ल्स हैं ठीक है ना टू गर्ल्स एंड टू बॉयज़ कौन कौन है बच्चों टू गर्ल्स एंड टू बॉयज़ आर नॉट फेसिंग द सेंटर यानी चार लोग सेंटर को फेस नहीं कर रहे और चार लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं एज सिम्पल नेक्स्ट कंडीशन है नो थ्री गर्ल्स आर सेटिंग टूगेदर कोई भी तीन गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी हैं चलिएगा सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू यानी यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है अभी आपको क्या करना है देखिए एक सर्कुलर टेबल में है पहली बात तो और जब भी मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स दे रहा हूँ जब तक आपको कुछ लोग अंदर एंड कुछ लोग बाहर वाले कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आए और तब तक किसी एक पर्सन का अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है बच्चों किसी भी लाइन में तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो ठीक है ना तो चलिए पहले एक सर्कल हम तैयार करते हैं यह हमारा सर्कल हो गया यहां पर आठ लोग बैठे हैं चलो क्लियर हुआ मेरा कंसेप्ट आगे चलते हैं सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू स्टार्ट करेंगे नहीं हु इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस नहीं बिल्कुल नहीं एंड वन ऑफ़ देम इज नॉट फेसिंग द सेंटर नहीं करेंगे ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ बी नहीं करेंगे हु इज़ फेसिंग द सेंटर बिल्कुल करेंगे हु मतलब कौन बी बी क्या कर रहा है बच्चों सेंटर को फेस कर रहा है क्लियर माई पॉइंट अब यहां से समझो ए इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ बी ए इज थर्ड टू द राइट बी का राइट ये होगा बच्चों तो वन टू थ्री यानी यहां पर आपका कौन आएगा ए आएगा नहीं आएगा क्लियर है माई पॉइंट ध्यान से समझो कोई जल्दी नहीं है आप लोगों के लिए आराम आराम से बात करेंगे चलिएगा अब मुझे बोला जा रहा है बी से रिलेटेड कोई लाइन देखिए वो लाइन है हु इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी यानी सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू सी कौन है क्यू के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है यस और नो बट क्या दे रखा है आप लोगों को हु मतलब कौन क्यू जो है वो बी का पड़ोसी या बी का नियरेस्ट नहीं है तो चलो अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा ध्यान से समझिएगा अभी आगे बोला जा रहा है एक और बात ध्यान से समझो चलो पहले यही हम अरेंज कर लेते हैं अगर क्यू यहाँ पर नहीं है तो क्यू यहाँ रख लीजिए एक मिनट के लिए अगर आपने Q यहाँ रखा तो सेकेंड लेफ़्ट में C यहाँ आ सकता है डेफ़िनेटली आ सकता है बट अगर आप Q यहाँ रखते हैं तो C या नहीं आ सकता बट अगर आप Q यहाँ रखते हैं तो C यहाँ भी तो आ सकता है यानी दो दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई ये और नो जब भी दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी तो हम क्या हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे जैसा कि आपको पता है दो पॉसिबिलिटीज़ में कभी भी इतनी जल्दी नहीं करते यस और नो चलिएगा तो आगे हम बात करते हैं एक लाइन हमें लास्ट में बहुत अच्छा बोल रखा है आर एंड डी आर फेसिंग ईच अदर एंड बोथ आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी एंड एस तो देखो भाई यहां पर भी आर नहीं आएगा यहां पर डी नहीं आएगा यस और नो तो देखो अगर एक दूसरे को फेस कर रहे तो यहां से ये वाला पोजीशन खत्म हो गया यहां से ये वाला पोजीशन खत्म हो गया यहाँ से तो एक ही पोजीशन बचा है कौन सा जो हमारे पास बचा है वो ये डी एंड आर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं फेस कर रहे ये yes सौ no. तो एक दूसरे के फेस मतलब सेंटर हो गए क्लियर हुआ मेरा पॉइंट यहाँ पर चलो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्टेटमेंट आपका कवर हो गया अभी हमें ये वाली लाइन जो है उसे बिठाना एकदम बहुत आसान हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखो बच्चों हमें बोला जा रहा है कि C इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ़ Q. Q यहाँ नहीं आएगा अगर आप यहाँ बैठाते हैं तो पॉसिबल नहीं है बाकी और कोई प्लेस बचा नहीं है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ Q को अरेंज करता हूँ एंड Q को क्या करूँगा Q का फेस बाहर करूँगा तो मेरा C B के बगल में आ जाएगा मुझे सिर्फ़ ये बोला है हु मतलब कौन Q? Q B का पड़ोसी नहीं है C हो सकता है क्लियर माई पॉइंट एवरी चलिए आपको एक और बात बोलिए आर एंड डी एस के भी पड़ोसी नहीं है तो यहां पर एस नहीं आएगा तो एस आपका यहां पर आएगा क्यू एंड ए के पास में हाँ या ना अभी रिमेनिंग कौन रहेगा पी तो आप पी यहाँ रख दीजिए बी एंड आर के बीच में अभी आपको क्या करना है आपको डायरेक्शंस देनी है डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी यहाँ पर देखो अभी क्या बोला जा रहा है पी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ़ एस पी जो है वो एस के थर्ड लेफ्ट में बैठा है तो एस को अंदर करूँगा तो पी थर्ड लेफ्ट में हो गया एस का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया बच्चों कोई डाउट एंड वन ऑफ देम इज नॉट फेसिंग द सेंटर डेफिनेटली हो गया हाँ या ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बाहर हो जाएगा क्लियर माई पॉइंट अभी देखो उसने क्या बोला है कि दो गर्ल एंड दो बॉयज़ नॉट फेसिंग द सेंटर तो यहाँ पर पहले बॉयज़ की बात करते हैं देखो बी एंड डी सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो ए एंड सी सेंटर के बाहर जाएंगे अब देखो सबको प्रॉपर डायरेक्शन मिल चुका है और सबको प्रॉपर प्लेस मिल चुका है क्लियर माई पॉइंट एवरी अगर मिल चुका है तो बस अभी आपको क्या करना है क्वेश्चन की बात करते हैं ये हमारा यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ हो गया आप बताओ कितने लोग मेरे साथ साथ राइट हैं ये हमारा पूरा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है चले क्वेश्चन नंबर वन की ओर बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी बी एंड डी के बीच में कौन बैठा है वो हमारा बैठा है यहाँ पर कौन सी बच्चों आप चाहो तो एक बार कॉपी में बना लो जिससे आपको आंसर देने में आसानी रहेगी अभी सारे आंसर्स आपसे पूछे जाएंगे राइट right? तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका सी यानी मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी इज़ माय राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज़ आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी क्यू एंड पी के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं या तो देखो क्यू एंड पी तो यहाँ से देखेंगे तो एक बॉयज़ है और यहाँ से देखेंगे तो तीन बॉयज़ है बट हमें ये नहीं बताया कि हमें राइट से देखना है या लेफ्ट से तो हम क्या कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है ज़रा जल्दी से बताइएगा ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है बच्चों बिल्कुल कौन है यहाँ पर डी ग्रेट नेक्स्ट फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फोर स्टूडेंट आर नॉट फेसिंग द सेंटर जल्दी से बताइए अभी इमेज नहीं दिखाएंगे आपको डायरेक्ट आंसर बताना है तो क्या आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ए क्यू पी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बात करते हैं हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड एस चेक कर लीजिए आर एंड एस के बीच में कौन बैठा है ए बैठा है हमारा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों राइट right आंसर होगा कोई डाउट किसी को यहाँ तक देखिए आंसर देना हार्ड नहीं है मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए भी और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी आंसर देना हार्ड बिल्कुल नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्मार्ट तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है क्लियर माय पॉइंट चलिए आगे बात करते हैं फाइव क्वेश्चन की और एक और हम सिटिंग अरेंजमेंट की यहाँ बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट बात करने से पहले जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन वैदिक मैथ फॉर इंक्रीज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिफ्टीन मे से एटीनथ मे तक बैच टाइमिंग लेट नाइट एट थर्टी टू टेन पी है बच्चों फीस ओनली फाइव हंड्रेड है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ये कोर्स बहुत ही अमेजिंग कोर्स है बहुत ही अच्छा स्पीड इंक्रीज होता है बहुत सारे फीडबैक इस कोर्स के अपने पास हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये कोर्स ज्वाइन कर कर अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करे चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं फाइव क्वेश्चंस और सिक्स टू टेन ध्यान से पहले पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सेवन फ्रेंड्स सेवन फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर टू बी सीटेड इन अ रो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट the one standing at the left end will be called first and the other end standing at the right end the seventh they like different colors pink blue green yellow white brown and black not necessary in that order the third person like yellow color d who does not like white color will stand after the person who immediately follow E. A like blue color. The person who like black stand sixth. The person who like pink stand to the immediate left of the person who like white. G stand to the immediate right of F and to the immediate left of B. E like brown stand fifth. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि सेटिंग अरेंजमेंट के साथ हम पजल सॉल्व करेंगे फिर भी देखते हैं कैसे हम ये सॉल्व करेंगे चलो बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा जो लेफ़्ट एंड से है उसको हमने फर्स्ट काउंट किया है एंड जो राइट एंड से उसको सेवन्थ काउंट किया है क्लियर माई पॉइंट तो यानी आपको यहाँ से नंबर डालना है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सात लोग हो गए यानी सेवन पोजीशंस हो गई क्लियर माय पॉइंट एंड यहाँ पर पर्सन है तो बच्चे यहाँ पे मैं पर्सन लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं कलर लिख लेता हूँ जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो क्लियर माई पॉइंट चलिएगा द थर्ड पर्सन लाइक येलो चलो यहाँ पर थर्ड जो पर्सन है उसको कौन सा कलर पसंद आ गया येलो कलर पसंद आ गया चले आगे चलते डी हु डज़ नॉट लाइक वाइट कलर लिख लो साइड में लिख लिया करो बच्चों जो डी है उसको वाइट कलर पसंद नहीं है विल स्टैंड आफ्टर द पर्सन हु इमीडिएटली फॉलो ई डी कहाँ पर खड़ा है जो पर्सन कहाँ खड़ा है जो पर्सन e को फॉलो करता है उससे विल स्टैंड आफ्टर द पर्सन उस पर्सन के बाद खड़ा है जो e को फॉलो करता है सपोज़ मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ ये ई e हो गया यहाँ पर कोई पर्सन है यानी ये जो पर्सन है ये e को फॉलो कर रहा है और उसके बाद कौन खड़ा है डी ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो एंड प्रिस की कहानी हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज अभी भी देख लीजिएगा ए लाइक ब्लू कलर ए को क्या पसंद है ब्लू कलर पसंद है लिख लेते हैं द वन पर्सन हु लाइक ब्लैक स्टैंड सिक्स यानी सिक्स पर कौन है बच्चों जिसको ब्लैक कलर पसंद है देखो जिसको जो पसंद है वो डायरेक्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है ये आपके लिए भी इजी होता है बट ऐसा बहुत कम होता है नेक्स्ट चलते हैं द पर्सन हु लाइक पिंक स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट द पर्सन हु लाइक वाइट वाइट के लेफ्ट में यह सुन नो वाइट के लेफ्ट में कौन है पिंक तो यहाँ लिख लो ये वाइट हो गया इसके लेफ्ट में बच्चों क्या आ गया आपके पास पिंक आ गया यानी वाइट एंड पिंक एक साथ चलेंगे तो देखो वाइट एंड पिंक कहाँ कहाँ आ सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर आ सकते हैं एंड फोर एंड फिफ्थ पर आ सकते हैं बाकी कहीं नहीं आएंगे बट दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको पता है जब भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है हम आगे मूव नहीं करते वहीं रुक जाते हैं चलिए जी स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ देखो जी कहाँ पर है एफ़ के इमीडिएट राइट right में है एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड मतलब कौन जी एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी बिल्कुल हो गया ये लो जी आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं अभी ये थ्री पोजीशन हो गई वन टू ऑल सेवन पोजीशन मेरे पास खाली है तो मैं कहीं भी अरेंज कर सकता हूं इसलिए मुझे थोड़ी देर रुकना होगा आगे चलते हैं ई लाइक ब्राउन ई को क्या पसंद है ब्राउन एंड स्टैंड फिफ्थ फिफ्थ पर कौन है ई और इसको बच्चों क्या पसंद है ब्राउन पसंद है क्लियर माई पॉइंट अच्छा देखो अगर इसको ब्राउन पसंद है तो ई e के बाद जो भी पर्सन है उसके बाद डी है तो मैं यहाँ पर सिर्फ डी रख सकता हूँ हाँ या ना अभी मेरे पास फोर एंड फिफ्थ फिफ्थ पर ब्राउन आ गया तो पिंक एंड वाइट ये तो पक्का हो गया कि आपका पिंक यहाँ पर आएगा और आपका वाइट टू पर आएगा यस और नो यस और नो अच्छा देखो डी जो सेवंथ पर है उसको कोई कलर हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही कलर एम टी बचा है जिसको हम बोलते हैं ब्लू यस yes no? और नो और ए को क्या पसंद है ब्लू तो हमारे पास एक कलर कौन सा बच गया चेक कर लेते हैं वो कौन सा रह गया ग्रीन यानी डी को कौन सा पसंद है ग्रीन पसंद है और अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिएगा एफ जी एंड बी किस लिए सिर्फ ए की प्लेस बचा है आप लोगों के पास यस और नो अ लास्ट कौन रह गया हमारे पास सी तो बेसिकली ये जो आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट के साथ एक पज़ल है वो इस तरह से आपका ड्रॉ हुआ है हो सकता है देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे बट घुमाया है आपको बस वही चेक करना है अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिएगा आंसर आप ही को देना है जल्दी से लिख लीजिए थर्टी सेकेंड्स का टाइम है आप लोगों के पास चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स द पर्सन स्टैंडिंग द पर्सन स्टैंडिंग फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट इज लेफ्ट से पहला पर्सन कौन खड़ा है वो है हमारा एफ यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द पर्सन स्टैंडिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी इज जो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है वो कौन है द पर्सन हु लाइक येलो नहीं क्योंकि डी आपका जो है वो सेवन्थ प्लेस पर आया है एंड जिसको येलो पसंद है वो फिफ्थ प्लेस पर है ए नहीं द वन हु लाइक ब्लैक कलर हाँ जी बिल्कुल राइट right होगा कई लोग आंसर दे रहे हैं अच्छा है द वन हु लाइक ब्लैक कलर इज़ राइट आंसर क्लियर एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली मैच ए person विद हिज और हर फेवरेट कलर कौन सा ऑप्शन है जो एकदम मैच कर रहा है एफ़ ग्रीन बी येलो एल वाइट जहाँ तक मुझे पता है एफ को ग्रीन पसंद नहीं है डी को पिंक नहीं है जी को ब्लैक नहीं है एल को वाइट नहीं है एक बार चेक कर लो बी को हो सकता है येलो डेफिनेटली बी को कौन सा है येलो यानी परफेक्ट मैच जो है वो मेरा क्या रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट मैच है मींस कह सकते हैं बी को येलो पसंद है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन पर चलते हैं सपोज कंडीशन जी हैज़ टू गो ऑन एन अकाउंट ऑफ एन एमरजेंसी द फैमिली ब्रिंग इन द फैमिली सर्वेंट जेड हु स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी ध्यान से समझना द सिक्स पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज नाउ क्या रहेगा पूरा सेटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा आपका देखिए ये जो जी है वो चला गया यस और नो। हम फैमिली में जेड को लेकर आए हैं जो सी के आपको एक मिनट चेक कर लेते हैं कहाँ क्या बोला है हु इमीडिएट राइट ऑफ सी स्टैंड इमीडिएट राइट ऑफ सी सी के तुरंत राइट right में आ गया यस और नो। नाव अभी लेफ्ट से काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कौन है यहाँ पर ए है तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं जल्दी से बताइएगा हाँ इफ बी रिलेटेड टू पिंक एंड ए रिलेटेड टू वाइट देन डी इज रिलेटेड टू विच कलर जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक ऑप्शन नंबर बी ब्राउन ऑप्शन नंबर सी येलो ऑप्शन नंबर डी ग्रीन एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस ग्रेट ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा हमारा ब्राउन उम्मीद करता हूं अभी तक हमने दो सिटिंग अरेंजमेंट की बात की है दोनों अच्छे से समझे हैं तो हम आगे भी बात करेंगे जल्दी से बताइए समझ रहे हैं आप सबको किसी को कोई डाउट आगे बढ़े हम लोग एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए चलिए एक और सेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट क्वेश्चनस की बात हम करते रहेंगे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक है ना सम पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फेसिंग टूवोर्ड देंटर ऑफ द टेबल यहाँ पर अभी तक हम लोग बात करते थे एट पर्सन्स बैठे हैं सेवन पर्सेंस बैठे हैं बट यहाँ आपको बोला है सम पर्सन बैठे हैं हमें नंबर ऑफ पर्सनस नहीं पता नो आइडिया अबाउट नंबर ऑफ पर्सनस क्लियर माई पॉइंट जब पर्सन दे रखे होते हैं तो अरेंजमेंट बहुत इजी हो जाता है आप लोग ये याद रखना चलिए द डिस्टेंस इज इक्वल अमंग ऑल द पर्सन एंड नंबर ऑफ पर्सन वॉज नॉट मोर देन एटीन पर्सन देखिए उसने बोला है सम पर्सन बैठे हैं बट उसने एक कंडीशन ये भी दी है कि पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में मैक्सिमम एटीन हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि एटीन ही होंगे उसने मैक्सिमम लिमिट दिया है क्लियर माय पॉइंट बट एटीन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए चलिएगा अच्छी बात है आगे बात करते हैं नंबर ऑफ पर्सनस बिटवीन जेड एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जेड वॉच थ्राइस एज देट ऑफ द नंबर ऑफ परसन सिटेड बिटवीन जेड एंड एल वेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ जेड ये लाइन का मतलब समझो पहले कि नंबर ऑफ पर्सन जितने लोग जेड और एन के बीच में बैठे हैं कब जब हम जेड के लेफ्ट से काउंट करते हैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सपोज जेड के लेफ्ट से अगर हम काउंट करें यहाँ पर एन है और अगर हम जेड के राइट से काउंट करते हैं और यहाँ पर एल है तो बोला जा रहा है कि अगर जेड से एन के बीच में अगर एक पर्सन बैठा है तो जेड से एल के बीच में तीन बैठेंगे मतलब थ्राइस यस yes नो। no? अगर यहाँ पर टू अगर हमने किए हैं तो वहां पर हमारे कितने होने चाहिए थ्राइस होने चाहिए क्लियर माई पॉइंट कोई डाउट किसी को नहीं चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं एल एंड एन आर नेवर्स ऑफ ईच अदर एल एंड एन नेवर्स हैं एक दूसरे के तो चले हम एक काम करते हैं अभी पहले सिटिंग अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं हमने एक सर्कल क्रिएट किया है ये सो नो हमें बोला जा रहा है कि एन एंड एल एक दूसरे के पड़ोसी हैं चलो देखते हैं आगे पढ़ते हैं आई वॉज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे एंड थ्री पर्सन आर सीटेड बिटवीन जे एंड के ठीक है एल वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ के ठीक है एम वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई ठीक है एल इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन अब यहाँ से समझो सारी बातें एल इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ़ एन तो जो एल है वो एन के इमीडिएट लेफ्ट में हुआ या नहीं हुआ पहले यहीं से स्टार्ट करते हम लोग ठीक है अभी देखो ये वाला लाइन कम्प्लीट हुआ हमारा अभी आगे चलते हैं एल वॉज थर्ड टू द राइट ऑफ के एल जो है वो के का थर्ड राइट right तो वन टू थ्री के को मैं यहाँ रखता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट एल हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है? चलिए नाउ आगे हम बात करते हैं एल एंड हो गया आई वॉज immediately लेफ्ट ऑफ जे एंड थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड के लेट सी आगे देखते हैं एल हो गया एम वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ एम कौन है सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ लिख लो एम है ओ के सेकेंड राइट right में चलिएगा अभी हमें बोला जा रहा है थ्री पर्सनस बिटवीन जे एंड के देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझो अभी लिंक आ गया के से बच्चों किससे लिंक आ गया के से तो वन टू थ्री यहाँ पर एन आता है इसलिए हमारा जे ऊपर जाएगा यस yes no? तो और नो तो वन टू थ्री और यहाँ कौन आ जाएगा आपका जे आ जाएगा और यहाँ पर आपको बोल रखा है आई वॉज सिटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे तो आई आए कहाँ आएगा immediate लेफ्ट ऑफ जे लिंक से लिंक जोड़ते चलो बाकी सब सही है आई वॉज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड के हो गया एम वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ एम वॉज सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ एंड एंड मतलब कौन है एम सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई आई के सेकेंड लेफ्ट में है यस ऑन नो तो अरेंज करेंगे तो आई का जो सेकेंड लेफ्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर एम बनेगा और ओ के सेकेंड राइट में अगर मैं ओ यहां रखता हूं तो ओ के सेकेंड राइट में कौन आ गया एम आ गया क्लियर माई पॉइंट एवरी वन नाव यहां से एक बात समझो कि नंबर ऑफ पर्सन कितने काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन यहां पर अभी फोर्टीन लोग हो चुके अभी एक ही पर्सन है जिसको हमने अरेंज नहीं किया वो है हमारा जेड अब आपको जेड को इस रेशियो में अरेंज करना है कि नंबर ऑफ पर्सन एटीन से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो आप रेशियो बनाइए किस तरह से आप रेशियो बनाओगे कि अगर मैं एल और जेड के बीच में याद रखो एल और जेड के बीच में तीन लोग रखता हूं सपोज तो अदर कितने आएंगे समझ में आ रहा है थ्राइस की कहानी यस और नो और अगर मैं यहाँ फोर रखता हूँ तो यहाँ पर कितने आएंगे ट्वेल्व जो कि ज़्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली यानी मुझे एक ही ऑप्शन है ये वाला यानी एल और जेड के बीच में मुझे तीन लोग रखने हैं लेकिन कहाँ से काउंट करूंगा ये मैं जेड के राइट से तो डेफिनेटली जेड मेरा यहाँ आएगा अभी जेड के राइट से काउंट करो एक दो तीन ये सौ नो आपको स्टार्टिंग में बोला गया था नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक और रख लेता हूं नाइन अब चेक करो आपका कॉम्बो बना या नहीं बना जो भी एन से जेड है हमारा राइट यहां हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहां थ्राइस है यहां सिंगल है राइट स्टार्टिंग में बोला है यहां पर देखो मैं आपको बता दू थ्राइस देखो ये थ्राइस ठीक है तो आपको आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ढूंढना है कि आप इसमें क्या बेस्ट ऑप्शन बना सकते हैं क्लियर माई पॉइंट एवरी थोड़ा हाई लेवल का है लेकिन एस के लिए काफ़ी अच्छा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाउ मैनी पर्सनस आर प्रजेंट इन अबव अरेंजमेंट अबव अरेंजमेंट में कितने लोग हैं तो काउंट कर लीजिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन यानी टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर फिफ्टीन तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर नेक्स्ट हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जे एल एंड जे वेन काउंटेड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम एल चेक करते हैं एल से एंटी क्लॉक जाना है यानी आपको इस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ तक जे तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन य सर नो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट right आंसर होगा नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग पेयर इमीडिएटली नेबर ऑफ ईच अदर जल्दी से बताओ इमीडिएट नेबर में कौन कौन है एल ओ जेड के जे एम जे ओ जेड के राइट है क्या है बिल्कुल जेड के इमीडिएट नेवर है ऑफ ईच अदर चलें नेक्स्ट फोर्थ वॉट इज द पोजिशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ओ चलिएगा एल की पोजिशन फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ तो क्या हो रहा है यहाँ पर वन टू थर्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन में है क्या चेक कर लीजिएगा थर्ड टू द लेफ्ट यानी ऑप्शन नंबर फोर इज़ राइट आंसर मैं आपको अगेन समझा रहा हूँ बच्चों आंसर देना बहुत ही ईजी है ठीक है ना लास्ट क्वेश्चन फिफ्टीन आपको आंसर देना है हाउ मेनी पर्सन इट बिटवीन जेड एंड डो वेन काउंटेड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्रॉम जेड जल्दी से बताइए जेड एंड ओ वेन काउंटेड क्लॉक वाइज फ्रॉम जेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यस वन नो तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरा सेवन यानी कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर वन इज़ राइट आंसर उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ऑल थ्री जो कंसेप्ट है वो समझे होंगे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए हम लोग आपके साथ ला रहे हैं मास्टर क्लास 501 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज डेली 11 एम बच्चों अगर आप ये सीरीज चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क फ्री के लिए डेली 11 ए एम तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आई वॉन्ट एट लीस्ट वन थाउजेंड मोर सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल जितना भी अभी है उस पर वन थाउजेंड प्लस सब्सक्राइबर आई वॉन्ट आप अपने सारे फ्रेंड लिस्ट कॉलेज ग्रुप में भेजिए एंड सेशन के एंड होने के बाद ये बात ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि यस वी नीड दिस सेशन वीडियो के एंड होने के बाद लिखिएगा एंड वन थाउजेंड मोर सब्सक्राइबर डेफिनेटली मैं मास्टर क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा थर्टी डेज का ये हमारा सेशन रहेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा डेली एलेवन एम पूरा मिक्स बेस्ट क्वेश्चन सीरीज रहेगा जो एस के लिए आपको बहुत काम देगा राइट आज का अगर सेशन पसंद आया तो सेशन के बारे में जरूर से बताइएगा चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले लाइक like कर लें शेयर करें हमें फॉलो करें कोई भी डाउट्स है कोई भी क्वाइरीज है आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहें इस सेशन के फीडबैक ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे लेते हैं आपसे इजाज़त आज के लिए फिर कल से मिलेंगे सेम टाइम 9 पीएम। टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू बी सेफ़ एट योर होम थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेसन थैंक यू सो मच